और बहुत खुशी हुई, अमन देश के लिए एक मेडल लेके आया ब्रॉन्ज, ये देख के बहुत खुशी हुई। उम्मीद तो हमें गोल्ड की थी लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, जिस कारण ब्रॉन्ज से ही हमें संतुष्टि करनी पड़ी, लेकिन अगली बार हमें उम्मीद है कि अमन गोल्ड लेके आएगा पक्का। भाई से बात हुई? हाँ, भाई से बात हुई, जिस दिन जीता उस दिन भी हुई, आज भी हुई, बहुत खुश था वो भी। और फैमिली तो है ही, और देश को भी बहुत खुशी है, और गांव वालों को भी बहुत खुशी है। परिवार में किस तरह का माहौल? हाँ, परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। जब थोड़ी सी वो चूक हो गई थी तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने वो किया कि ठीक है, हमें वो भी बच्चा है, उसने भी मेहनत कर रखी थी तो वो जीत गया, लेकिन भैया ब्रॉन्ज पक्का लेके आएगा, तो हमें ये उम्मीद थी कि ब्रॉन्ज तो पक्का है। कब आने की उम्मीद? भैया आज आएंगे 13 तारीख को सुबह। किस तरह से स्वागत किया? स्वागत बहुत धूमधाम से करेंगे, गाँव वाले करेंगे और उसके अखाड़े वाले करेंगे, और फिर घर पे तो होगा ही। क्या कुछ यादें जो शेयर करना चाहेंगे भाई की? यादें बहुत कम है हमारी, क्योंकि वो ज़्यादा घर में रहता ही नहीं था, वो छोटा सा था जब हमारे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद वो अखाड़े चला गया था, फिर वो आता ही नहीं था, साल में एक दो बार उसका आना होता था, फ़ोन पे ही बात होती थी, उसने अपना घर अखाड़ा ही बना लिया था, तो ज़्यादा बातें हमारी हुई नहीं उससे, इतना ही होता था। कहेंगे रक्षाबंधन भी नज़दीक है? रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हमें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि देशवासी जितने भी भाई हैं अपनी बहनों को इतना अच्छा गिफ्ट दें, यही। तो इस गिफ्ट से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत खुशी हुई।